जो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर ऐसी अपडेट्स देगा, ऐसी अपडेट्स देगा कि किसी ने सोची नहीं होगी। खैर आज हम लोग बात करेंगे कुछ अपडेट्स को लेकर। मैं फ्री बैठा था तो सोचा क्यों ना यार इस पर आज एक वीडियो बना दी जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजरंगी भाईजान सीक्वल, क्या इसका पार्ट टू बनना चाहिए। तो देखो पिछले कुछ 2-3 दिनों से एक रूमर चल रही है कि भाई इस पर काम चल रहा है। तो सीधी सीधी बात यह है कि विजेंद्र प्रसाद जिन्होंने बजरंगी भाईजान का फर्स्ट पार्ट लिखा था, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद बताया है कि वो बजरंगी भाईजान 2 पर काम कर रहे हैं। बेसिकली अभी तक उन्होंने कुछ लिखा नहीं, बस एक आइडिया थी। उस आइडिया के उन्होंने सलमान खान को सुनाया और सलमान खान बहुत खुश हुए और उनको ये आइडिया बहुत पसंद आई। लेकिन अब ये आइडिया पेपर पर उतरा नहीं, यानी कि अभी तक कुछ भी कहानी लिखी नहीं गई है। लेकिन विजेंद्र प्रसाद चाहते हैं कि इसका सीक्वल बने। तो अब ये मूवी कंटिन्यू होती है, यानी कि बजरंगी भाईजान पार्ट 1 के आगे की स्टोरी है, या सिर्फ वहाँ के जो मेन कैरेक्टर, हमारे जो बजरंगी कैरेक्टर सलमान खान का, उसको वो लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कहानी बिल्कुल एकदम डिफरेंट होगी, ये अभी तक कुछ भी मुझे पता नहीं। और ये किसी को भी नहीं पता, ये आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन उससे पहले विजेंद्र प्रसाद सर हम एक और मूवी को करते हुए नजर आएंगे, वो है बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन पर। और ये बात भी उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताई है। लेकिन मैं खुश इस बात को लेकर हूँ कि यस बजरंगी भाईजान का सीक्वल डेफिनेटली बने, क्योंकि वो एक ऐसी मूवी थी जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाई है। और कोई भी मेकर, कोई भी प्रोड्यूसर ये मौका हाथ से जाने नहीं देगा। और अगर स्क्रिप्ट सलमान खान को पसंद आई तो फिर तो भाई समझ लो कि अगर बना देंगे तो वही बहुत बेटर है। उसके अलावा जो दूसरी अपडेट है वो है बच्चन पांडे इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर, जिसमें हमें नजर आते हैं अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार। तो भाई मैं मुंबई में रहता हूँ, जहां तक मुझे पता है एक अपडेट निकल कर आई है कि अक्षय कुमार अपनी बच्चन पांडे की शूटिंग आज यानी कि 22 जुलाई को अंधेरी के एक मल्टीप्लेक्स पे कर रहे हैं। और ये बच्चन पांडे का फाइनल सीक्वेंस है जहां पर अरशद वासी ने अपने हिस्से के शूटिंग करके जा चुके हैं। अक्षय कुमार अपनी शूटिंग कर रहे हैं आज और कल, 2 दिन करेंगे, फिर उसके बाद ये मूवी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जो लोग बच्चन पांडे का वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि बहुत जल्दी हमको पता चल जाए बच्चन पांडे इस साल रिलीज होगी या वो नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। उसके अलावा जो तीसरी अपडेट है वो है गदर 2 पर्टिकुलर मूवी को लेकर, जिस पर भी काम चालू और कहानी एग्जैक्ट कंटिन्यू होगी। गदर 1 जहां पर खत्म हुई तो वहीं से गदर 2 शुरू होगी। लेकिन बेसिकली इस बार जो हमारा तारा सिंह है यानी कि सनी देओल है, वो पाकिस्तान जाएंगे तो जरूर, लेकिन वो अपने बेटे को लेने के लिए जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या फर्स्ट पार्ट वाला मैजिक सेकंड पार्ट में भी बरकरार रहता है। उसके लिए तो हमें गदर 2 के लिए ही वेट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इस पर्टिकुलर मूवी के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ नहीं। अब आप लोग कितना एक्साइटेड हो गदर 2 के लिए? क्या वाकई में सनी देओल का जो मैजिक था 2000 में था, वो 2022 या 23 जब भी ये मूवी रिलीज होगी तब भी बरकरार रहेगा? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फाइनली अब हम लोग बात करेंगे बिग बॉस सीजन 15 की, यानी कि कल बिग बॉस OTT का एक टीजर रिलीज हुआ जहां पर सलमान खान का जो एक नया लुक था, हालांकि वो टाइगर 3 का लुक है, लेकिन जिस तरह सलमान भाई नजर आए ना यार, मैं क्या ही बोलूं। और यहाँ पर बोलने के लिए कोई शर्म नहीं कि अपन सलमान भाई के बहुत बड़े फैन है। सिर्फ सलमान खान के नहीं, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, ऋतिक रोशन, गोविंदा, संजय दत्त, यानी ये वो एक्टर्स है जिसको देखकर अपन बड़े हुए हैं। ऐसे कैसे हम उनको हेट करेंगे? और सिर्फ एक एक्टर को प्यार अपन नहीं कर सकते, अपने लिए सभी एक्टर एक जैसे। तो वापस आते सलमान खान पे कि उनका बिग बॉस OTT जो कि आपको 8 अगस्त पे देखने को मिलेगा वूट ऐप पे। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि ये OTT पे आ रहा है तो यहाँ पर सलमान खान हमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन डरिए मत, सलमान खान बिग बॉस सीजन 15 कर रहे हैं, लेकिन वो हमें एग्जैक्ट 8 अगस्त के 6 हफ्तों बाद जब टेलीविजन है कलर्स टीवी पर बिग बॉस आएगा वहां पर हमें सलमान खान नजर आएंगे। फिलहाल ये जो वूट पर आने वाला 8 अगस्त को, ये इसमें सलमान खान नजर आने वाले नहीं है। तो अब कौन इसमें एज अ होस्ट हमें नजर आएगा, एज अ कंटेस्टेंट हमें नजर आएगा, इस पर कुछ भी अपडेट नहीं है। लेकिन OTT पे आ रहा तो समझ लो कि वो जो एडल्ट वाला सेक्शन है वो कुछ ज्यादा ही हाई होगा। और सलमान खान ने टीजर में एक हल्की फुल्की जगह से बता ही दिया कि अगर ये चीजें टेलीविजन पे आती तो बैंड हो जाता। तो आप लोग समझ लो कि जब वो वुड पर आने वाला है तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जो कि 18+ होगा। हालांकि बिग बॉस भी 18+ ही है, लेकिन फिर भी जब ये वुड पर आया तो समझ लो जो नंगा नाच होने वाला है वो तो भाई क्या ही कहने। तो अब आप लोग कितने एक्साइटेड हो बिग बॉस OTT के लिए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।